एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK फार्मेसी पर। दोस्तों, आप सभी जेनरिक दवाओं के बारे में तो सुना ही होगा। आप यह भी जानते हैं कि ब्रांड दवा की तुलना में जेनरिक दवा बहुत सस्ती होती है, लेकिन लोगों के मन में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है कि ये जो जेनरिक दवाई और ब्रांड दवाई में अंतर क्या होता है और जेनरिक दवाई इतनी सस्ती क्यों होती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जेनरिक दवाई और ब्रांड दवाई में अंतर बताएंगे। वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको कि जेनरिक दवाओं को आप कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपकी ये सारी डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जेनरिक मेडिसिन और ब्रांड मेडिसिन में अंतर क्या होता है? तो दोनों में कोई खास अंतर नहीं होता है। जेनरिक मेडिसिन हो या फिर ब्रांड मेडिसिन हो, दोनों में प्राइस का अंतर होता है और थोड़ा बहुत नाम में अंतर हो सकता है। दोनों का शॉल्ट एक ही होता है, डोज भी सेम हो सकता है, साइड इफेक्ट भी सेम होता है, लेने का तरीका भी सेम होता है, सब कुछ सेम हो सकता है। बस ये थोड़ा बहुत नाम में अंतर हो सकता है और थोड़ा कलर में चेंज हो सकता है और प्राइस में अंतर हो सकता है या फिर आपका फ्लेवर थोड़ा अंतर हो सकता है। आप सोचते होंगे कि ब्रांड मेडिसिन इतनी महंगी क्यों होती है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो ब्रांड मेडिसिन जो बनाने वाली कंपनियां होती है वो ड्रग को खोज करने में, रिसर्च करने में, पेटेंट करवाने में उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, उसको मार्केटिंग करवाने में भी काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। इसलिए जो ब्रांड मेडिसिन होती है वो थोड़ा कॉस्टली होती है, यानी कि महंगा होता है, क्योंकि इस दवा को बनाने वाली कंपनी को थोड़ा खर्चा करना पड़ता है। और जो जेनरिक मेडिसिन होती है, जो जेनरिक मेडिसिन की कंपनी होती है, वो केवल शॉल्ट के नाम से ही बेच सकती है मेडिसिन को। उसको जो है सिर्फ अधिकार मिलता है उसको उस शॉल्ट के नाम से बेचने का, उसको मार्केट में खोज करने में, पेटेंट करवाने में, मार्केटिंग करवाने में पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करने में पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिए जेनरिक जो मेडिसिन होती है वो थोड़ा बहुत सस्ता होता है। अच्छा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं ये जो जेनरिक मेडिसिन है उसको आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, कोई भी मेडिसिन का आप पत्ता देख लेंगे तो उसके नाम के आगे आपको एक ट्रेडमार्क देखने को मिलेगा, जैसे R का सिंबल देखने को मिलता होगा। ये अगर आपको देखने को मिल जाए तो वो आप ब्रांडेड मेडिसिन है, और अगर किसी के सामने अगर नहीं होगा ये R का सिंबल तो वो जेनरिक मेडिसिन है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कौन सा मेडिसिन ब्रांड है, कौन सा मेडिसिन जेनरिक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, हमारे द्वारा दिए गए जानकारी आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल SK फार्मेसी को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।